नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस लेजेंडरी एसयूवी के बारे में, और ये है लैंड रोवर डिफेंडर। और अभी मेरे पास जो है ये 130 है, डिफेंडर 130। तो डिटेल में हम कवर करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अभी मैं हूँ मालवा ऑटोमोटिव्स करनाल के शोरूम में। अगर आप JLR का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बात इस कार के कलर से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटीरियर कलर की बात करूँ तो टोटल आपको यहाँ पर 9 एक्सटीरियर कलर मिलेंगे। ये जो है फूजी वाइट है। इसके अलावा जब इंटीरियर कलर ऑप्शन आप देखते हैं तो अलग अलग आपको 5 इंटीरियर थीम्स यहाँ पे मिलेंगी। अभी ये जो है ये वाइट कलर के इंटीरियर थीम है, यहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर के इंटीरियर थीम है। तो वो मैं आपको अंदर इंटीरियर्स भी इसके दिखाएंगे और क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं उन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। और अभी ये जो मेरे पास खड़ा है ये डिफेंडर HSC 130 है डीजल के अंदर। तो उसके साथ ही आपको इंजन स्पेसिफिकेशन क्या कुछ मिलती है वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो शुरुआत कार के डिज़ाइन से करते हैं। डिज़ाइन जो है गाड़ी का भाई बड़ा ही ज़बरदस्त है और बड़ी ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी लगती है। सबसे पहले इसके मैं बॉडी टाइप की बात कर लेता हूं। तो जो डिफेंडर है आपको 3 बॉडी टाइप के अंदर मिलती है, डिफेंडर 90, डिफेंडर 110 और डिफेंडर 130। ये जो है 130 है। ऑलरेडी हमने 110 पे एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सामने से इस गाड़ी को आप देखिए, बड़ी ज़बरदस्त है काफ़ी। इसको जो विड्थ है इसकी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी यहाँ पे रखी गई है। इसका हेडलैम्प यूनिट आप यहाँ पे देखिए, तो हेडलैम्प यूनिट जब आप देखेंगे तो इस तरह का आपको ये हेडलैम्प यूनिट यहाँ पे दिया गया है। ऑल जो सेटअप है ये कंप्लीट LED सेटअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको इधर की तरफ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और ये आपको LED लाइट दे दी गई है। ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑटो लेवलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऑटो हाई बीम असिस्ट। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं और ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको फॉग लैंप यूनिट दे दी गई है, ये भी LED आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। और सामने की तरफ भी आपको टोटल यहाँ पे 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो फ्रंट में आपको असिस्ट करने वाले हैं। और ये जो है ये कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। और सामने का जो ये स्किड पैन है इसको सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दी गई है। फ्रंट में ये कैमरा आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ ये ग्रिल दिखाई देगी। लैंड रोवर का लोगो आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे डिफेंडर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब इंजन हुड आप इसका देखते हैं तो इसको फ्लैट रखा गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ी के लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे लगते हैं। और इसके ऊपर की तरफ भी आपको ये यहाँ पे स्पेस दिया गया है, कहीं आप एडवेंचर्स टूर पे गए हैं और आप यहाँ पे खड़ा होकर इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आराम से खड़े हो सकते हैं, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। सामने की तरफ जब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कैमरा दे दिया गया है। और जो वाइपर्स हैं ये आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। रूफ आप इसकी देख रहे हैं तो ये ब्लैक कलर के साथ आपको मिल रही है, मतलब ये ड्यूल टोन कलर यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार गाड़ी को साइड से आप देखिए तो गाड़ी साइड से जो है बड़ी ज़्यादा मैसिव भाई ये गाड़ी लगती है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे देखिए तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी स्टैंडर्ड ड्राइव में तो वो है 218 mm, और जब आप इसको ऑफ रोड के अंदर ड्राइव करते हैं तो 290 mm तक ये चली जाती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट इसकी है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे दी गई है। टायर साइज़ आप इसका एक बार आप देखिए तो यहाँ पे जो आपको अलॉय व्हील्स ये मिल रहे हैं 20 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो टायर प्रोफाइल है 255/60 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। और डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगी सामने की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। एयरमेटिक सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे। ऑल अराउंड आपको स्कर्टिंग्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो डिफेंडर की बैजिंग दे दी गई है। ORVM से जब आप देखते हैं तो इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। यह कैमरा आपको इधर की तरफ मिल जाएगा, एक उस ORVM पे और एक पीछे की तरफ, तो टोटल 4 कैमराज आपको मिलेंगे। या आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और जो आपको ORVMs मिलते हैं ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं और साथ ही आपको हीटेड मिलेंगे। और जो ड्राइवर ORVM है वो आपको ऑटो डिमिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको सभी 4 हैंडल्स पे आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। इस पिलर को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी ब्लैक फिनिश दे दी गई है, यहाँ पे आपको ये वाइट फिनिश के साथ लैंड रोवर का लोगो देखने को मिल जाएगा। और ये जो रियर विंडो ग्लास हैं यहाँ पे आपको ये डिफोगर दे दिए गए हैं, हीटेड इसको रखा गया है विद
टाइमर और इसका साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। इन ग्लासेस का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो एक बार दूर से आप देखें भाई, बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती ये गाड़ी लगती है, मन करता है इसको बस देखते ही रहो। तो बड़ी प्यारी ये गाड़ी यहाँ पे है, ऊपर की तरफ ब्लैक फिनिश के साथ रूफ रेल्स भी आपको ऑफर कर दी गई है। रियर से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो रियर लुक्स आप एक बार देखें भाई, क्या ज़बरदस्त इसके रियर लुक्स यहाँ पे लगते हैं। ये जो आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई है ना, ये टेल लाइट्स जो आप देख रहे हैं, ये एलईडी सेटअप यहाँ पे मिलता है और बड़ी गजब ये लाइट्स जो है देखने में लगती है। हाइट इसकी आप देखें, काफ़ी अच्छी खासी हाइट रखी गई है। बिल्कुल ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाएगा, वाइपर वॉशर आपको दिया गया है। ये इधर की तरफ आप देख रहे हैं, ये वाइपर है, ये आपको स्पेयर व्हील मिलेगा और जो इसका साइज़ है वो भी बिल्कुल सेम यहाँ पर रखा गया है। ये डिफेंडर की बैजिंग और इसको प्रॉपरली यहाँ पर कवर्ड भी किया गया है। ये कंप्लीट जो पार्ट है इसको ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है और यहाँ पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट है। इधर की तरफ लैंड रोवर का बैज आपको देखने को मिल जाएगा और इस तरफ डिफेंडर की बैजिंग दे दी गई है। टोटल रियर में भी आपको 6 सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो ये कॉर्नर में सेंसर मिल रहे हैं और रेस्ट इधर, तो टोटल 6 सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो है रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे और बैकलाइट वगैरह जो है वो ऊपर की तरफ आपको मिलेगी और टर्न इंडिकेटर वो सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ट्विन एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं। एयरमेटिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस एक बार फिर से आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। अब एक बार बूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप इसको ओपन कर पाएंगे, साइडवेज ओपनिंग यहाँ पे है और जो क्वालिटी है मटेरियल की वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यूज़ की गई है। यहाँ पे भी डिफेंडर आपको लिखा दिखाई देगा और इसको ओपन करके इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एक स्पेस आपको दे दिया गया है, तो इसको ओपन करना चाहें तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ये टूल किट आपको दे दी गई है। उसके बाद नाइट यूजर्स के लिए आपको ये एलईडी लाइट्स यहाँ पे मिल जाएगी, ये हुक्स आपको यहाँ पे दी गई है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो एक आपको ये एलईडी लाइट यहाँ पे दी गई है और ये बेसिकली है इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए। अगर गाड़ी को आप नीचे की तरफ करना चाहते हैं ताकि कुछ यहाँ पे सामान वगैरह रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं इसकी हाइट नीचे करके, और यहीं से इसकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज आप सब कर पाएंगे। उसके बाद ये जो गाड़ी है अभी 7 सीटिंग के साथ है, मतलब 3 पीछे की तरफ, 3 उसके बाद और 2 सामने की तरफ, तो आप यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको फ़ोल्ड करना चाहें तो आप फोल्ड भी कर पाएंगे और अलग अलग जो है ये फोल्ड हो जाती है। तो अगर आप इतने पार्ट को फोल्ड करना चाहें तो इस पार्ट को फोल्ड कर सकते हैं, सिर्फ इस पार्ट को फोल्ड करना चाहें तो इस पार्ट को फोल्ड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एक ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको दिया गया है ताकि रियर में अगर आप टायर इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको ये लाइट जो है वो दे दी गई है। सभी पैसेंजर्स के लिए 3 सीट बेल्ट ऑफर की गई है, तो सेंटर पैसेंजर के लिए ये सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दी गई है। हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे, आप इनको फोल्ड करना चाहें तो इसको सामने की तरफ फोल्ड कर सकते हैं ताकि ये कंप्लीट जो है एक फ्लैट बेड यहाँ पे बन सके। तो ये सारे आपको फीचर्स जो हैं यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। अब मैं आपको इसके सेकंड रो में ले चलता हूँ और फिर मैं आपको इसका एक बार जो थर्ड रो का सिटिंग कम्फर्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सो जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले इसको जो है हम थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं और सामने की तरफ इसको स्लाइड करके फिर आप अंदर की तरफ एंटर कर पाएंगे। तो अब मैंने इसको कर दिया, अब यहाँ से आपको अंदर की तरफ एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये देखिए आपको लेग रूम यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है, तो लेग रूम की किसी तरह की दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है। थाई स्पोर्ट जो है वो भी आपको ठीक यहाँ पे दिया गया है, तो आप ट्रैवल करना चाहें तो मेरी हाइट का बंदा भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद ऊपर की तरफ हेडरूम जो है वो आप देख सकते हैं, प्रॉपर हेडरूम यहाँ पे दिया गया है, प्रॉपर हेडरेस्ट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो जो थर्ड रो में भी सिटिंग है वो कंफर्टेबल है यहाँ पे। उसके अलावा और क्या आपको यहाँ पे मिलता है भाई, सबसे मेन आपको यहाँ पे भी ये जो है रूफ़ मिलती है, तो यहाँ पे दो रूफ्स आपको मिलती है, सनरूफ एक सामने की तरफ और एक ये जो है ये ओपन होती है, ये एज इट इज़ सिर्फ आपको एक गिलास मिलता है, तो यहाँ से आप बाहर की तरफ, बाहर का जो व्यू है उसको इंजॉय
कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये हैंडल्स मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे लाइट दे दी गई है LED, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको ये AC वेंट और C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये दिया गया है कप होल्डर, और ये जो कंप्लीट ये है ये सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, नेट आपको दिया गया है, कुछ रखना चाहें तो आप रख पाएंगे। तो ओवरऑल सारे फीचर्स आपको यहाँ पे थर्ड रो के अंदर भी दिए गए हैं, और जो ये हेडरेस्ट है ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं ताकि ये कंप्लीट बेड जो है यहाँ पे बन सके। अब एक बार इसके सेकंड रो में चलता हूँ और सेकंड रो में देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे कंफर्ट जो है मिलने वाला है। थोड़ा सा तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, जब आप अंदर जाते हैं बाहर की तरफ आते हैं थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, और इसको जब आप यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद जब आप बैठते हैं, सामने वाली जो सीट है अभी वो मेरी हाइट से भी पीछे की तरफ मैंने इसको रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि क्या कुछ स्पेस मिलता है। तो लेग रूम आप देखिए भाई, मैसिव लेग रूम आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, क्योंकि जो व्हील बेस है 3022 mm आपको व्हील बेस यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद थाई स्पोर्ट आप देखिए, थाई स्पोर्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप कितना भी लंबा ट्रैवल कर ले किसी तरह की थकावट जो है आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है। रिक्लाइन एंगल जो है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हेडरूम वगैरह जो है वो आपको भरपूर मिलता है, तो कहीं भी कोई कमी आपको नहीं लगने वाली है। उसके बाद हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, तो आप इनको यूज़ कर पाएंगे सभी के लिए। 3-point सीट बेल्ट आपको ऑफर कर दी गई है, सेंटर में एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये आर्म रेस्ट, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ऐसी प्रीमियम गाड़ी को और प्रीमियम बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व के परफ्यूम्स। ये जो है स्प्लैश फ्रेगनेंस है और ये फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जेल फ्रेगरेंसेस भी मिलती है, एयर परफ्यूम्स भी मिलते हैं, तो अपनी पसंद का कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और टोटल आपको यहाँ पे 75+ फ्रेगरेंसेस ऑफ़र की गई हैं इन्वॉल्व की तरफ से, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है, तो आप इसको कंसिडर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी है, और काफ़ी टाइम तक ये जो है चल जाता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिले, तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, वहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब दोबारा गाड़ी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सामने वाले हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, आप इनको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इससे आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। सीट्स के बैक में आपको ये जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे प्लास्टिक दे दिया गया है, दोनों तरफ आपको नेट यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं, तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। और रियर सेंट्रल कंसोल जब आप देखते हैं, तो रियर सेंट्रल कंसोल कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। मैं एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पे ये दिखाई दे सके। सो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आप यहाँ से टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 zone ऐसे ही मिलता है आपको, ड्राइवर के लिए अलग से टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, को ड्राइवर के लिए अलग से सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप पीछे सेकंड रो के लिए एडजस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप इधर से भी रोटेट करेंगे, इधर से भी रोटेट करेंगे, जो टेम्परेचर है दोनों के अंदर सेम रहने वाला है। यहाँ से आप जो फ़ैन वगैरह स्पीड है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और यहाँ से ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो पे आप सेट करना चाहें तो ऑटो पे आप सेट कर पाएंगे। तो सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे ये मिलने वाले हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपको ए टाइप चार्जिंग पोर्ट एक इधर की तरफ, तो 2 आपको ये चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये AC वेंट जो है वो ऑफर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे AC वेंट जो हैं ये भी मिल जाएंगे, और साथ ही आपको ये हैंडल्स दिए गए हैं, तो इनको ईजिली ग्रैब करके आप अंदर की तरफ जो है एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ बात थी इसके सेकंड रो की। अब ले चलता हूँ मैं आपको ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले की आप देख लीजिए। तो इस तरह की आपको मिलेगी यहाँ पे, ये लैंड रोवर का लोगो, और इस तरफ जब आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक, और ये हजार्डस लाइट के कंट्रोल, मतलब फाइंड मी कार का आपको कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, और ड्राइवर सीट पे जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ट्विटर और स्पीकर मिल जाएगा, और आपको मेरिडियन का साउंड सिस्टम यहाँ पे मिलता है, और जो मटेरियल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे यूज़ की गई है। ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अलावा जब आप फ्लोर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये रबर फ्लोर आपको मिलेगा, इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और साथ ही आप इसको वॉश करना चाहें तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। उसके अलावा
जब मैं यहाँ पे बैठा था तो जो इसको रखा गया है तो आपके पैर इस तरह से यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली आपको फील होने वाला है। ये दोनों तरफ आपको जो है ये प्रॉपर इस तरह का स्पेस दे दिया गया है तो काफ़ी कंफर्टेबली सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। ड्राइवर सीट पे आप चलते हैं तो अब इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है तो थोड़े एफर्ट लगेंगे। आप एसेसरीज़ में यहाँ पे फुट रेस्ट लगवाना चाहें तो डिप्लोएबल फुट स्टेप्स आप यहाँ पे लगवा पाएंगे। उसके बाद जब ये डोर ट्रिम आप देखते हैं तो सेम उसी ड्यूल टोन के साथ मिलने वाली है। ये सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, ये सॉफ्ट टच मिलने वाला है यहाँ पे। ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, मिरर्स की एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स और ये मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। लॉक अनलॉक के कंट्रोल, मेरिडियन की बैजिंग, ट्विटर स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ड्राइवर सीट जब आप देखते हैं तो 14 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बोनेट ओपनिंग के लिए। इधर की तरफ आपको पार्किंग ब्रेक और ये इल्यूमिनेशन एडजस्टमेंट के कंट्रोल। उसके बाद कुछ एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको कंट्रोल दिया गया है बेसिकली स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के लिए। तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप स्टेयरिंग इससे ईजिली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस सीट पे मैं बैठ जाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ आप देखिए तो प्रॉपर आपको फुटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब एक बार देखिए इसका स्टीयरिंग व्हील, तो मैं सीट और पीछे कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। सो स्टीयरिंग व्हील आप देखिए, स्टीयरिंग का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है और क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेदर रैप्ड आपको मिलने वाला है, डिफेंडर की बैजिंग, या आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया के कंट्रोल मिल जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, लिमिटर आप कर सकते हैं यहाँ पे सेट, और सामने की तरफ आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑफर कर दिया गया है। इसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अंदर आपको बैठते ही भाई फील आता है कि आप किसी एक प्रीमियम कार के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। तो क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, हर जगह ध्यान दिया गया है फिट एंड फिनिश का, क्वालिटी का, हर जो मटेरियल यूज़ किया गया है। ये जो मटेरियल है ये भी सॉफ्ट टच है, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जब आप इसका सेंट्रल कंसोल देखते हैं तो 11.4 इंचेस का आपको ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, पीवी प्रो, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, उसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कैमरा की क्वालिटी जो है वो भी भाई एक अलग ही लेवल की आपको यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा व्हीकल की डायमेंशंस जब आप देखते हैं तो इसकी जो लेंथ है 5380 mm इसकी लेंथ है विद स्पेयर व्हील। इसका जो एंगल है, डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, रैंप ओवर एंगल, वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। विड्थ आप देख सकते हैं 17, इसका जो फ्रंट ट्रेड है ये 1700 mm विड्थ जो है ओपन ORVMs के साथ 2110 mm, तो सारी डायमेंशन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके अलावा और भी आप बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सीट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीट्स के अंदर आपको हीटिंग और वेंटिलेशन का जो मोड है वो आपको मिलता है, तो हीटिंग वेंटिलेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको कंप्लीट एक यूनिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस पे जब आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको ऑटो एसी की यूनिट दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 जोन एसी मिलता है, तो ड्राइवर का अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, को ड्राइवर का अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फैन स्पीड वगैरह जो है वो सारी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और इसको जब अंदर की तरफ आप दबाएंगे, अभी जैसे ये ब्लू कलर है तो अभी सीट की हीट वेंटिलेशन जो है वो ऑन है। अगर अब मैं इसको रेड की तरफ ले जाऊँगा तो सीट की हीटिंग जो है वो ऑन आ जाएगी। अभी टेम्परेचर वैसे ही बड़ा ज़्यादा है तो हीटिंग की अभी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ से जो सारी सेटिंग्स हैं, जैसे आप मोड वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एयर फ्लो, ऑटो एसी, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट करना चाहें तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको एक सी टाइप, एक ए टाइप, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको दिया गया है। और उसके बाद नीचे भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो इस स्पेस को भी आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। और क्वालिटी जो है वो अलग ही लेवल की यहाँ पे है, क्वालिटी देख के भाई दिल खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको ये दो कप होल्डर्स मिलते हैं, आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे इस तरह से कवर्ड कर सकते हैं।
देन आपको ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे दिया गया है, इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये आपको यहाँ पे मिल जाता है एक फ्रिज, इसके दो लेवल आपको मिलते हैं, तो अपने हिसाब से इसका लेवल जो है आप सेट कर सकते हैं। कोई भी सामान अभी बड़ा ज़्यादा ठंडा ही हो रखा है क्योंकि दो लेवल पे इसको किया हुआ था, अभी इसको बंद कर देते हैं। और टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन करके रखेगा, आप कुछ भी इसके अंदर लिक्विड वगैरह जो भी रखना चाहें तो आप रख पाएंगे। और इस आर्मरेस्ट का साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो प्रॉपर ग्रैब रेल्स दी गई हैं, प्रॉपरली इनको जो को ड्राइवर हो ग्रैब करके बैठ पाएगा, यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। काफ़ी सारे जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ए सी और 12 वोल्ट सॉकेट, तो हर तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग IRVM। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, उसके साथ ही आपको ये इमरजेंसी और ब्रेक कॉल के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो सनरूफ है आप इसको ओपन भी यहाँ से कर सकते हैं, और हमेशा आप इसको ओपन करके सिर्फ मौसम का मज़ा लीजिए अगर आपको ओपन करना ही है। और इससे बाहर निकलना जो है वो आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करता, और ना इससे आप बाहर निकले क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, और ना इससे आप इस कर्टन को जो है क्लोज़ कर पाएंगे। और जो रूफ़ है इसकी वो इस ब्लैक कलर के साथ है। तो ये एक थी इस कार के इंटीरियर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फ़ीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन कार के प्राइसेस के बारे में। बात करें इस कार के सेफ्टी फ़ीचर्स के बारे में तो वैसे तो वो इसकी बिल्ड से ही पता लग जाता है कि इसको आप ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट कार है ये इस वर्ल्ड के अंदर बिल्ड वाइज। और उसके साथ ही आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फ़ीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे एयरबैग्स आपको मिलते हैं, उसके अलावा ABS ब्रेक्स विद EBD ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रहा है, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, लो ट्रैक्शन लॉन्च, हिल असिस्ट कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सामने की तरफ भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, पीछे की तरफ 6 पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री सराउंड कैमरा, तो काफ़ी फीचर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। आप बात करते हैं इंजन के, तो ये जो गाड़ी है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ में है। पेट्रोल के अंदर जो आपको इंजन मिलता है P400 इंजन मिलता है, तो वहाँ पे जो पावर फिगर्स रहेंगी 400 PS की आपको पावर मिलेगी, और जो टॉर्क रहेगा 550 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क मिलेगा। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वहाँ पे देखने को मिलता है। आप बात करते हैं डीजल इंजन की, क्योंकि ये जो मेरे पास है ये अभी डीजल इंजन है, तो यहाँ पे जो आपको मिलता है 3.0 लीटर्स का आपको इंजन मिलता है, सेम जो आपको पेट्रोल का मिल रहा है। ये जो इंजन आउटपुट जनरेट करता है 300 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 650 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे भी जो ट्रांसमिशन आपको मिलेगा 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन इस कार के प्राइजेस के बारे में, तो ये जो वेरियंट है इसका जो एक शोरूम प्राइस है 1,30,40,000 रुपीज़, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस लैंड रोवर डिफेंडर 130 पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको दोबारा याद करा दूँ, अगर आप JLR का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।